सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि इकाई चार जो हमने आप लोगों को बताया था, यानी दशमलव की अवधारणा, ठीक है। इकाई चार गणित का चैप्टर है और इसमें मैंने आप लोगों को बेसिक जानकारी बताने के बाद बोला था कि आप लोगों का जो उसमें उसमें जो अध्याय है, यानी जो चैप्टर स्टार्ट होता है, जिस चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं, पूरा निचोड़ होता है, उनको उनके क्वेश्चनों को आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है। उनको मैं हल करवाऊंगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर। कुछ स्टूडेंट का ये भी कमेंट था कि सर जोड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो जोड़ने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, घटा क्या प्रॉब्लम हो रहा है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जोड़ना है इसको, ठीक है। यानी 0.3 को 0.4 से जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? देखिए, यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो 4, 3 को आप जोड़ लीजिए, 4, 3 हो गया 7, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया 7 और दशमलव है, तो दशमलव के नीचे हमको दशमलव लगा देना है, उसके बाद 0, 0 है, तो 0 से 0 जुड़ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद आ गया यहाँ पर जोड़ना हमको 4, 2 हो गया 6, यहाँ पर हमको लिख लेना 6, और यहाँ पर 3, 5, 3 हो गया 8, यानी 3, 5 हो गया 8। तो अगर हम इसको भी जोड़ देंगे कि 52 में अगर 34 जोड़ देंगे तब भी 86 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव लिखा, तो दशमलव लगा देंगे, उसके बाद 0 उतार लेंगे यहाँ पर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आगे फिर दिया है 4.17 को 0.58 से अगर हम ऐड करेंगे तब कितना होगा? तो देखिए, 7, 8 को पहले हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। 7, 8 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15, 15 के यहाँ पर लिख लेंगे हम 5, और एक हमारा कैरी में पहुँच जाएगा, यानी कैरी मतलब होता है हासिल, तो हासिल को हम एक दिखा पर लिख लेते हैं कि यहाँ पर एक हमारा, ताकि भूल ना पाए, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 5 और 1 6 और 1 ये हो गया 7, 5 6 और ये एक हो गया 7, यानी 58 में अगर हम 17 जोड़ेंगे तब 75 हो जाएगा। उसके बाद दशमलव लगा, तो दशमलव नीचे दशमलव लगा देंगे और 4 को यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि राम ने एक किताब को 4.75 रुपये में 4.75 रुपये की तथा एक किताब एक कॉपी 1.50 रुपये की खरीदी, बताओ उसने कुल कितने का सामान खरीदा। ये है क्वेश्चन दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए, पहली किताब क्या है 4.75 की है, यानी 4.75 की है, इसको हमको लिख लेना। उसके बाद दूसरी क्या है 1.50 की है, इसको कुछ नहीं करना है, कुल टोटल बताया गया यहाँ पर, यानी कुल को मतलब इन दोनों का आपस में जोड़ देना है, बस आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 7, 5 कितना होता है 7, 5 होता है 12, ठीक है। 12 के हमने लिख लिया 2, एक हमारा पहुँच गया कैरी, हासिल पहुँच गया, दशमलव के नीचे हमने दशमलव लगा दिया। उसके बाद 4, 1, 5 और 1, 6, यानी 4, 1, 5 हो गया और ये इधर वाला 6, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी की तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि दशमलव को घटाना, ठीक है, दशमलव को हम लोग कैसे घटाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, 6.50 हो गया और उससे घटाना है 2.78, ठीक है, 2.78 को घटाना। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना। देखिए, यहाँ पर 0 है, दशमलव को आपको बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखना। दशमलव में क्या करना, यानी मान लीजिए दशमलव पूरी संख्या हटा देना है, 650 से 278 घटाना है बस, ठीक है। लेकिन दशमलव क्या है कि दशमलव को कुछ भी नहीं देखना कि दशमलव लगा है या नहीं लगा है, बस क्या करना, दशमलव के नीचे हमको दशमलव लगा देना है, चाहे पहले लगा दे चाहे बाद में लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 है, यहाँ से एक हासिल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 से 8 गया, कितना बचा 2 बचा, यहाँ पर बचा 4, 4 से 7 जाएगा नहीं। उसके बाद हम यहाँ 6 से एक हासिल लेंगे, यहाँ पर 4 हो गया, तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 14, ठीक है। और 14 से क्या कर देंगे, 14 से 7 घटा देंगे तो बच जाएगा हमारा 7, यहाँ से एक हासिल लिए थे, यहाँ बच गया था 5, और 5 से 2 निकाल दें, यहाँ पर बच गया 3, यानी क्या कितना हो गया 3.72, ठीक है, 3.72। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं तो 650 से 275 निकाल देंगे, 650 से 278 निकाल देंगे, तब भी तो 372 ही बचेगा, ठीक है। बस दशमलव के नीचे दशमलव लगाने वाला फंडा है बस, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट और करके देखते हैं, जैसे एक और हो गया हमारा 20.65 हो गया, 20.65 हो गया, उसको 8.97 से घटाना है, ठीक है, 8.97 से घटाना है। देखिए, अब यहाँ पर जो 8 होगा तो वो इस वाले जीरो के नीचे होगा, ठीक है, पीछे वाले जीरो के नीचे होगा। अगर डबल संख्या होती तो डबल, यहाँ पर एक और संख्या जैसे 18 होता तो 18 यहाँ पर 1 लिख दिया जाता, लेकिन इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो हम इसको सीक्वल से रखेंगे, यानी दशमलव के नीचे दशमलव रख देंगे, दशमलव के नीचे दशमलव रख देंगे, उसके बाद इसके आगे जो संख्या है क्या आगे रख देंगे, और इसके पीछे जितनी संख्या 9, 7 उसको रख देंगे, उसको यहाँ से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब देखिए, 5 से 7 जाएगा नहीं, 1 हम यहाँ से हासिल लेंगे, हो जाएगा 15,
कितना हो जाएगा, 15 से 7 निकल जाएगा, यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पे बचा था 5, और 5 से 9 नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 से फिर एक हासिल लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर बचा था 5, यहाँ हो जाएगा 15, 15 से 9 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 9 6 15 यानी 6 बच जाएगा। उसके बाद दशमलव के नीचे हमको दशमलव लगा देना है, और यहाँ पर यहाँ से एक हासिल लीजिए, यहाँ हो गया था 10, तो 10 से 8 चला जाएगा, बचेगा 2, और यहाँ से एक एक से एक एक यहाँ पर बचा था, यानी एक इधर हासिल लिए, तो एक बचा था, एक को पूरा पूरा उतार लेंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं फिर से एक और आप लोगों को हम करके बताते हैं माइनस के। ठीक है, माइनस के देख लीजिए, जैसे माइनस के और हो गए, पहला क्वेश्चन हो गया 5.15 को हमको माइनस करना है 1.28 से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 से 8 निकल जाएगा, बचेगा 7, यानी यहाँ से एक हासिल ले लेंगे, इधर 5 से 8 जाएगा ना, तो दिखाते हैं हासिल लेंगे, हो जाएगा 15 से 8 निकल जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 0, तो 0 से 2 नहीं निकलेगा, तो इससे वजह से यहाँ से हम एक हासिल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, और 10 से 2 निकल जाएगा, बचेगा यहाँ पर 8, दशमलव के नीचे हमको दशमलव लगा देना है, और 5 यहाँ पर था, एक इधर हासिल चला गया, तो यहाँ बचा 4, 4 से 1 निकल गया, 3 बचा, यही हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से माइनस का। अगला क्वेश्चन है कि 6.05 और सॉरी यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं 4.25 3.45 ये है माइनस। ठीक है, मैं आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ यहाँ पर करना क्या है। देखिए 5 से 5 निकल जाएगा तो आपको पता है कितना बचेगा, यहाँ से 2 से 4 निकलेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, हासिल लेंगे, हासिल लेके फिर घटाएंगे, और यहाँ पर बच जाएगा, फिर यहाँ से जब इधर हासिल लेंगे तो यहाँ पर संख्या कम पड़ेगी, और कम पड़ेगी संख्या तो इधर घटाएंगे, तो फिर से घटाने के बाद आंसर क्या आएगा, इस आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये मैंने आप लोगों से सिर्फ एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, अभी तक मैंने आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया था करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ एक क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, मैंने आप लोगों को मोटा मोटा जबकि बता भी दिया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, और जिसका आंसर सही होगा उसको मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, यानी जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं ज़रूर बताऊंगा कि हाँ आपका आंसर सही है, जिसका आंसर गलत होगा उसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा, मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये सिर्फ आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, अभी तक मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया है, तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं, जैसे और क्वेश्चन हो गया 6.50 और हो गया इधर माइनस कर देना है 2.72 को। ठीक है, ये हमको माइनस करना है, तो देखिए 0 है और 0 से 2 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हम एक इधर हासिल लेंगे, हो जाएगा 10, 10 से 2 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 4, 4 से 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, हो जाएगा 14, 14 से 7 गया, 7 बचेगा, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी पहले बता भी चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए जैसे यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर जैसे हम लोग कर देते हैं 8 कर देते, तो यहाँ बचेगा 7, 7 से 2 जाएगा, तब कितना बचेगा 7, यहाँ दशमलव नीचे दशमलव लगा दिए, और 7 से 2 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5, यानी 5.78 आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन है कि 0.04। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम लिख के बता रहे हैं, देखो दोस्तों ये भी आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया हुआ कि 0.04 को 0.5 का गुणनफल, यानी इन दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो देखिए सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर 0 लिखेंगे, दशमलव लगा देंगे, फिर 0 लिख देंगे, फिर यहाँ पर लिख देंगे 4, क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद दूसरी संख्या है 0.5, यानी इसमें क्या था, 1, 2, 3 था, लेकिन यहाँ पर 2 ही हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए गुणे का चिन्ह लगाया हमने, 0.5 लिख दिया। अब हमको करना क्या है कि सबसे पहले देखना, यहाँ पर 0 लगा है तो 0 लगा देंगे, और 0 यहाँ पर भी, तो उसके बाद दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 0, तो इस 0 को भी हम उतार लेंगे। उसके बाद हमें संख्या बच गई कितनी, 4 और 5, और 5 4 का हमको गुणा करा देना है, यानी 5 चौके हो जाएगा 20, तो हमें यहाँ पर 20 लिख लेना है, और दशमलव के 2 स्थान तक निकालते हैं तो 1 0 हमको हटा देना है। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत से लोग कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या कैसे करना है। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग को बताना है कि 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि 5.4 -2.25 का मान ज्ञात करिए। ठीक है, इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग,
5.4 यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद लिख लेंगे यहाँ पर दो है तो दो को लिख लेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, फिर दो चार के नीचे लिख लेंगे, उसके बाद पाँच यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए इसके ऊपर कोई संख्या है नहीं, चार के बगल कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, और यहाँ पर हम लोग इसको माइनस करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर जीरो है, जीरो से पाँच जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कहाँ से लेना पड़ेगा, दस हो जाएगा, दस से पाँच के यहाँ पर कितना बचा, पाँच बचा, यहाँ पर बचा तीन, यहाँ से कहाँ से ले तो यहाँ पर तीन बचेगा, और तीन से दो निकल जाएगा, एक बचेगा, ठीक है। यानी 40 से अगर हम 25 निकाल देंगे तो तब भी 15 बचेगा, उसके बाद दशमलव यहाँ पर लगा लेंगे, और यहाँ पर बचेगा पाँच, और पाँच से दो निकल जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा तीन, यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 3.15। उसके बाद एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा मोटा मोटा एक और माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर एक और देख लीजिए, जैसे 18.05 है, यहाँ पर क्या है 18.05 है, इसको हमको घटाना कितने से है, 5.63 को, ठीक है 5.63 को। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता था, अभी जैसे यही संख्या यहाँ पर इस तरह दी हुई 18.05 - 5.63, तो यहाँ पर इसके नीचे इस वाले संख्या को माइनस करने के लिए इसके नीचे रखें कैसे, क्योंकि यहाँ पर 18 यहाँ पर 5 दिया, तो 5 को क्या हम 1 के सामने रखें या फिर 8 के सामने रखें, ये कन्फ्यूजन रहता है। तो ठीक है इस तरह के कन्फ्यूजन में आप लोग क्या करना कि यहाँ पर दशमलव दिया तो दशमलव के ठीक नीचे यहाँ पर दशमलव लगा देना है, ठीक है। क्या करना है, दशमलव के ठीक नीचे हमको दशमलव लगा देना, और दशमलव के बाएं दाहिनी ओर संख्या कितनी है, 6-3 है, तो यहाँ पर हमको लिख देना 6-3। अब दशमलव के जस्ट पहले संख्या कौन सी, 5 है, तो दशमलव के जस्ट पहले 5 है, तो दशमलव के जस्ट पहले 5 लगा देना, ना कि यहाँ पर लगाना है 5, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखना है। तो यहाँ पर 8 के नीचे हो जाएगा 5, बस इसको हमको माइनस कर देना है। यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 से 3 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, अब 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 0 है, तो यहाँ से एक हाँ से लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 से 6 निकल जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 4, और दशमलव के ठीक नीचे हमको दशमलव लगा देना है, और यहाँ 7 बचेगा, यानी एक हाँ से लिए थे तो यहाँ पर 7 बचेगा, 7 से 5 चला जाएगा, बचेगा 2, और यहाँ पर 1 उतारेंगे, यानी 12.42 हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो जो भी कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट में बताना कि कहाँ पर आप लोगों को समझ नहीं आया, ठीक है, गुणा समझ नहीं आया, दशमलव की अवधारणा में आप लोगों को दशमलव का गुणा नहीं समझ में आया है, दशमलव का जोड़ नहीं समझ में आया, दशमलव का भाग नहीं समझ में आया, कुछ भी दशमलव का जोड़ घटाओ गुणा भाग नहीं समझ में आया है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, मैं फिर से आप लोगों को एक बार ये क्लियर कर दूंगा चैप्टर, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों आप लोगों को मैंने जो ये क्वेश्चन दिया है उसको आप लोग जरूर करके और कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।